रांची में एक बार फिर बर्ड फ्लू फैला है, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची में बर्ड फ्लू फैलने के कारण 4000 से अधिक पक्षी मारे गए हैं, उनको दफनाने का काम किया जा रहा है। झारखंड के डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि 1 किलोमीटर की रेंज में जो भी मुर्गियां और अंडे पाए जाएंगे उन्हें डंप करवाया जा रहा है। किसानों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जब तक जांच नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक पक्षी पालन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रांची में बर्ड फ्लू के कारण प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए मुर्गा अंडा समेत सभी प्रकार के बिक्री पर रोक लगा दी है। ये प्रिकॉशन हम लोग है कि जैसे डॉक्टर साहब बोले कि 1 किलोमीटर के रेंज में अभी जो भी मुर्गियां पाए जाएंगी अंडे पाए जाएंगे सबको जो है सो डिस्कार्ड करवा देना है, मैंने डंप करवा देना है। और दुकानदार लोगों को किसान लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर से अभी न फीड मटेरियल लाना है, न मुर्गियां लाना है, न अंडे लाना है, जो भी पाल रहे हैं उसको डंप हम लोग करवाने के बोलेंगे। और अभी पालने का भी हम लोग मना करेंगे कि अभी पालिए भी नहीं, जब तक निगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलने लगे तब तक आप लोग अभी जो है सो पालने की कोशिश न करें। अब हम लोग डेली अभी फील्ड में जाएंगे और सभी को जागृत करेंगे कि बर्ड फ्लू आ गया है, कि आप लोग प्रिकॉशन में रहिए और पालने की कोशिश न कीजिए। और अभी जो भी यहाँ फीड मटेरियल है उसको भी आज हम लोग को डंप करवा देना है, फीड मटेरियल है, बेडिंग मटेरियल है, सबको आज डंप करवा देना है और सबको सैनिटाइज कर देना है फार्म को। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी और संध्या की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।